जी कड़क मन अपने से जाने की फर्क जे मैं छड़ता कारे उड फलक तक रब ते माने एक झलक मैनु सुख दी वखा दे मंगदा जो मेरे हक दा हिसाब है विक दे यार सारे दौलतां दे मारे सहंदा दिल मेरा सुख दे लारे जोर भी कुछ है मेरा दुख सहन ले तो कुछ ना वाला जिंदड़ी नु दस दे नी कुछ ना वाला एक जे दुख सारे कुछ ना वाला एक जे यो लपड़े लपाड़े कुछ ना वाला छड़ते मैं यार सब सारे कुछ ना वाला सुनिए कुछ ना वाला नी अग सानू दे कुछ ना वाला नी पट्ठे चक दे कुछ ना वाला नी पुत कुछ ना वाला नी चल पुत सुनिए कुछ ना वाला नी अग सानू दे कुछ ना वाला नी पट्ठे चक दे कुछ ना वाला नी पुत कुछ ना वाला नी चल पुत डर की डर किसी का नहीं अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर की ना इधर की और ना उधर की तो डगर न रहा मेरी पकड़ की धर की डर किसी का नहीं अपना ही डर है कि खबर नहीं है मुझे अपने सबर तू जाग 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 और रुकना नहीं बस भाग 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 पीछे मुड़ना नहीं तू जाग 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 और रुकना नहीं बस भाग 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 पीछे मुड़ना नहीं। हाय हेलो। अगर आपका मूड अच्छा है तो एक छोटी सी बात करनी थी आपसे कल। बैठो। नहीं नहीं आई एम फाइन आई जस्ट छोटी सी आपसे बात करनी थी। मैं खड़े बंदे को वैसे ज्यादा डांटती हूँ, चुप करो और बैठ जाओ। सी आई डिड लाइक योर सेंस ऑफ ह्यूमर एंड यू डू ऑलवेज मेक मी लाफ एज वेल। अब बताओ। एक्चुअली मैंने आपको थैंक्स बोलना था। क्यों? मेरा कुछ गुम गया था जो आपसे मिलके मुझे वापस मिल गया। A little less philosophical, please. चले समझे मैं किसी कुएं में गिर गया था और आपने मुझे वापस बाहर निकाल दिया। Now a little less metaphorical, please. और आसान उर्दू में कह दो। See, मैं एक बहुत बहुत लंबे क्रिएटिव ब्लॉक में था, फंसा हुआ, you know, like I was ना दिमाग चल रहा था ना कुछ हो रहा था। वो आपको याद है आपसे पिछली दफा जब मैं मिला था पहली दफा मिलके और जाते हुए डांटते हुए आपने बोला था कि कुछ नहीं आला, पता नहीं वो ऐसा लड़ गया मुझे कुछ नहीं आला कि आई यू नो फाइनली कुछ नया बन गया। सो उसके लिए थैंक्स। प्लस एक आर्टिस्ट के लिए यू नो लाइक इंस्पिरेशन इज द फ्यूल यू नो एंड यू इंस्पायर्ड मी। सो आपको फिर तो नहीं लग रहा मैं आप पे लाइन मार रहा हूँ? तुम वापस रहो। देखिए मैंने आप पे पिछली दफा भी लाइन नहीं मारी थी। आई एक्चुअली सॉ यू परफॉर्म एट द यूनिवर्सिटी शो इन इस्लामाबाद एंड आई सॉ यू एट द कैफे पे। मुझे लगा कि आप सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम रैपर हो? स्ट्रगलिंग रैपर और काफी देर से बस स्ट्रगल चल रही है तो इट्स ओके, अपना टाइम आएगा। नाइस, अच्छी फिल्म थी लेकिन फिल्म थी। तुम्हें नहीं लगता कि अपना टाइम आएगा? नहीं आई मीन पता नहीं, आई डोंट नो। ओके एनीवेज कबीर, नाइस टू मीट यू अगेन। ज़ारा। ओके मिस ज़ारा, वैसे आपका तो पता नहीं लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। आते जाते रहिएगा आप। या यू दिस इज अ प्लेस फॉर पीपल लाइक यू। अच्छा, यू नो मतलब यहाँ पे लोग भी आपके मतलब के आएंगे एंड प्लस द स्टेज इज ऑल्सो मेड फॉर समवन लाइक यू।
आपको जरूर यहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए. और अगर इफ आई कैन डू एनीथिंग टू हेल्प यू, मेरे लाइक कोई चीज हो तो हुक्म. अब तुम लाइन मार रहे हो. नहीं मार रहा यार. मार रहे हो, मुझे लग रही है. मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ. लेकिन बात का कॉन्टेक्स्ट तो मुझे बता ना. मैं लेकिन देख तो मैं रही हूँ ना. ओहो, यू डेंजरस. इस तरह से उठकर जाने की क्या जरूरत थी? अरे जितना मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों के रिलेशंस बेहतर हों, उतना ही तुम. मैं भी बहस नहीं करना चाहता था. तो मैं तो पूरी कॉन्वर्सेशन अवॉइड कर रहा था. बात करो तब भी मसला है, बात ना करो तब भी मसला की बात नहीं करता. अरे बेटा निकल आओ, निकल आओ इन सारी बातों से. आज मुझे इस हालत में बीवी से, सिर्फ उनकी वजह से. आपके लिए कितना आसान है ना, वैसे कह देना कि बेटा निकल आओ इन चीजों से. नहीं कर सकता. और आप भी प्लीज मसले लेके मुझे मत कॉल किया करें बार बार. फिर मैं फोन नहीं उठाऊंगा तो फिर आप गिले शिकवे करते हैं. मत कीजिएगा अगर मैं फोन नहीं उठाता. अब बड़ी मेहरबानी तुम्हारी. एहसान है बेटा तुम्हारा जो तुम माँ से बात कर लेते हो. ये छा कर लेती है यहाँ पे हमेशा, पता है. इमोशनल ब्लैकमेल कर दो, उठा मुझे डाल देंगे गिफ्ट में. नाइस बेटा. मैं तो बस हो गई. मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में. बाबा साईं की गद्दी, सियासत, मखदूम गढ़की के सब मसले, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है चीज़ों के अंदर. और मैं इन सब चीज़ों से और आप लोगों से दूर इसलिए भागा था क्योंकि मेरी एक अपनी जिंदगी है और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ चीजें करनी है. आप मुझे बार 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 धकेले जाते हैं वापस. बस कर दे, मैं थक गया हूं. नहीं नहीं, मुझे करना है ये. या अल्लाह, कितनी दफा कहा है कि मत किया करेंगे. मुझे कुछ चाहिए होगा तो किचन से खुद ही जाके ले लूंगी. कोई बात नहीं पुत्र, तू ना बस यहाँ बैठ के आराम से पढ़ और दूध गर्म है इसको अभी अभी पी लेना, ठंडा हो गया तो फिर कोई नहीं फायदा. पी लूंगी, लेकिन मैंने मना किया ना, मत किया करो मेरे लिए काम. मैंने तेरे लिए अभी तक किया ही क्या है. खैर छोड़, और ये देख, ये मैंने आज ही निकाले हैं सारे सारे के सारे, बिल्कुल नए हैं. कैसे हैं? लगाए अच्छे हैं. अच्छे लगे हैं तुझे? हाँ, ये लाल वाला वैसे बहुत अच्छा है. तो बस फिर तू ही रख ले. पता है मैं तो डर रही थी कि तुझे पसंद भी आएंगे कि नहीं. नहीं, मुझे नहीं चाहिए ये कपड़े. नहीं नहीं पुत्र, रख ले, मेरे किस काम के. ये लाल वाला तो बहुत ही जचना है तेरे पे. नहीं नहीं, ये लाल रंग बहुत लाल है. मैं नहीं, आपको पता है ये बहुत ज्यादा, मैं नहीं पहन सकूंगी. हो, रख ले ना पुत्र, मेरे पास तो सालों से ऐसे ही पड़े हैं. तू पहनेगी ना तो मुझे बड़ी खुशी होगी. नहीं लेकिन मैं सारी खुशी क्या होगा, ईद का जोड़ा नहीं चाहिए ना. हाय पुत्र, क्यों तकल्लुफ कर रही है, रख ले. मम्मी नहीं चाहिए यार. सोने से पहले दूध पी लेना. ठीक है. इधर बैठे हैं. मेरा कोई इस जैसी सुन ले ओ मेरे दिलदारा. क्लास छोड़. कम ऑन यार, क्या तुम बूथी बना के हर टाइम एंग्री यंग मैन बना रहता है. दोस्तों के साथ तो उसके बात किया कर. दोस्त तो यार, जी बोला मेरी बात सुन. नहीं सुननी ना यार. ओ यार, तू नहीं बदलेगा, तू नहीं बदलेगा. वैसे जोरी मुझे बता रहा था कि तुम आजकल बड़े ट्रैक शैक प्रोड्यूस कर रहे हो. तो उससे मतलब? मतलब यार, I'm happy for you. मैं तेरे लिए खुश हूँ. कम से कम तू वापस इंडस्ट्री में आ, रैप गेम में तेरी वापसी हो रही है. बल्कि देख, तुझे किसी भी चीज़ की जरूरत हो मैं तेरे लिए यहाँ पे हाजिर हूँ. अच्छे से अच्छा प्रोड्यूसर, अच्छे से अच्छा स्टूडियो तेरे की मैं रिकॉर्डिंग करा सकता हूँ. तुझे बता भाई के लिए मैं तेरे लिए हाजिर हूँ यहाँ पे. एनी हेल्प यू नीड, आई एम हियर फॉर यू मैन. खुदा मुझे उस वक्त से बचाया कि मुझे तेरी हेल्प की जरूरत पड़े. क्या कह रहा है तू बच्चा यार, इंडस्ट्री में ऐसे थोड़ी चलता है. हर किसी के साथ बना के रखनी पड़ती है. तो तुम इंडस्ट्री में मुनाफ़ा बना के रखो ना. क्या करेगा तू, खुद ही हेडफोन लगा के गाने बनाएगा, खुद ही सुनता रहेगा. कम से कम जो भी करूंगा खुद करूंगा ना, किसी का चोरी थोड़ी करूंगा. तू अभी तक वो बात दिल में ढा के चल रहा. तुझे पता है मैं तुझे कॉम्पनसेट कर रहा हूँ इस चीज के लिए. मैं जिस पोजीशन में हूं मैं तेरे लिए बड़ा कुछ कर सकता हूं भाई. यार बकवास ना कर ब्रो, पीछे हो जा. वरना क्या करेगा, वरना क्या करेगा. कर रहे हो, क्या कर रहे हो? हां चारों बच्चे हो तुम दोनों.
स्टैंड अप गर्ल जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे। आ गया वो मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है, नियतों का फतूर गायब है तो मुकद्दस मकाम लगता है, एक चेहरा तमाम लगता है। ये वादा है तुमसे ना याद करेंगे भूल जाएंगे मगर रोएंगे बड़ा हम।